First of all, I would want to thank Roop Kumar ji and Sonali ji. Thank you so much for coming here. We must tell you, they were so enthusiastic about the whole idea even when it was presented to them. And I'm glad that people also want to be RJs along with singers. It makes us feel really good. But jaisa aapko pata hai, is station ka naam Mirchi Mehfil hai. And kuch yaadein, kuch ghazle. Aaj bahut practice karne ke baad ek ghazal. Matlab each and every person on the floor was correcting me because mereko aapke samne ghazal theek se bolna hai. Ghazal. Ghazal. Okay. So, of course, we're going to hear music. We're going to hear them as RJs on our show. And that's going to be very interesting. We invite you to this mehfil. And we can start with questions also. Now? First, we start with the music. I think we should start. We shall give them the lead. Yes, let's go for it. We are going to present this. You want to play it first? Sing the jingle? Okay. A very special thing close to our heart and theirs, of course, is ghazal. And because of that, I think we were very fortunate that they composed our jingle also for Mehfil. And wo hamare office mein subah se play ho raha hai, this station, because today is the launch. And everybody, I must tell you, sir and ma'am, are loving it. So this, let's start today with the jingle live. And let's hear it from you two. सबसे पहले मैं ये अर्ज करना चाहती हूँ, थोड़ी सी उर्दू जुबान में भी बात की जाए जी, कि सुरों से सुर मिले, सुरों से सुर मिले, लफ्जों के गुल खिले, और कुछ ऐसे जुड़ी धुन दिल से कि शुरू हुए गजलों के सिलसिले. आई एम रियली बोथ ऑफ अस आर वेरी ऑनर्ड to be a part of this wonderful initiative by Radio Mirchi. So I think 100 marks to Radio Mirchi for bringing this online platform for ghazals, which is, ghazal has come a long way from a ek raj darbar se leke, mehfil se leke, online radio station. I think it's a long, long journey that ghazal has traveled. Aur hum dekhte hain ki aaj ke zamane mein सारे रेडियो स्टेशन, इवन रेडियो मिर्ची फॉर दैट मैटर, जो भी रेडियो स्टेशन हैं वो प्रमोट करते हैं बॉलीवुड 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 और सिर्फ बॉलीवुड और ऑन स्लॉट ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड पंजाबी इंडी पॉप हिंदी पॉप विच एवर पॉप रॉक एवरीथिंग.
और हमने आज 25 सालों से हम इस फील्ड में हैं, 25 सालों से गज़ल से जुड़े हैं, तो हम जब भी रेडियो पे जाते हैं हमारी गज़ल जी प्राइम टाइम तो आपको नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही आई वुड से इट्स अ सर्विस टू द म्यूज़िक दैट रेडियो मिर्ची हैज़ डिसाइडेड टू मेक दिस अ 24/7 गज़ल ऑनलाइन स्टेशन जो विच विल हैव अ मच मच वाइडर ऑडियंस एंड रीच. सो आई थिंक 100 मार्क्स टू रेडियो मिर्ची फॉर दैट. थैंक यू. और जब भी हम लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि भाई गज़लों के लिए कुछ किया जाए, हाउ टू कनेक्ट टुडेज़ यूथ टू दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ गज़ल्स, और अचानक एक दिन दो लड़कियां आई घर पे, नीतू फ्रॉम रेडियो मिर्ची केम ओवर एंड शी सेड हम ऐसा ऐसा करने, वी सेड ओ माय गॉड दिस इज़ जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अस, एंड इमीजिएटली वी वर एब्सोल्युटली रेडी टू गो फॉर दिस एंड वी अग्रीड टू डू दिस आरजेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर गज़ल्स. आई होप इट विल टेक ऑल ऑफ अस अ लॉन्ग वे इन दिस जॉनरा. देखिए हम लोग तो बड़े हुए रेडियो सुन के, उस ज़माने में तो टेलीविज़न होता नहीं था, तो हमारे लिए जो है वो रेडियो ही एक ऐसा ज़रिया था कि जहाँ से हमने अपने संगीत की तालीम ली. कभी वो माँ की लोरी बन करके हमें सुला देता था, तो कभी वो हमें डीजे बन के नचा देता था, तो रेडियो ऐसी चीज़ थी. लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि टेलीविज़न जो है वो आगे निकल गया और रेडियो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया, और उसके बाद में रेडियो सुनना तो बहुत दूर की बात है, प्रोडक्शन भी बहुत कम हो गए, रेडियो बनने लोगों ने बंद कर दिए थे. बिल्कुल ये होता था कि गाड़ी में भी लोग कम रेडियो सुनते थे. लेकिन जब से ऐसे चैनल शुरू हुए, ख़ास तौर से रेडियो मिर्ची, तो इसने एक नई दिशा जो है वो एंटरटेनमेंट को दे दी है. और ये चैनल इतना पॉपुलर है, और क्योंकि जब भी हम लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जब भी हम लोग गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, जब भी अकेले होते हैं, तो सबसे पहले जो है रेडियो सुनते हैं. और रेडियो में जो जिस तरह के सब्जेक्ट पे बातें होती है, जो गाने सुनने में आते हैं, तो हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग, उसमें जर्नी का पता नहीं चलता, ज़िंदगी का पता नहीं चलता. लेकिन हमेशा से एक कमी महसूस होती थी कि काश गज़लों के लिए भी ऐसा कुछ किया जाए, रेडियो वाले थोड़े से आगे आएँ और गज़लों के लिए कुछ करें तो बहुत अच्छी बात है. तो ये एक हमेशा दिल में एक ख्वाहिश थी. और ये कहते हैं ना कि जब भी आप कोई ख्वाहिश दिल से करते हैं तो ऊपर वाला वो ज़रूर पूरी कर देता है. तो हमारे साथ भी यही हुआ कि ये बहुत ही खूबसूरत प्रपोज़ल लेकर के आए कि जी हम लोग रेडियो मिर्ची के लिए एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मिर्ची महफिल, और हम चाहते हैं कि आप इसके ब्रांड एम्बेसडर बने. तो अंधा क्या मांगे, आँखें मांगे, तो हमारे लिए तो ऐसा था कि अरे यार ये तो हम खुद चाहते थे. तो ये बहुत ही एक्साइटमेंट है कि आग दोनों तरफ बराबर की लगी है कि वो भी चाहते हैं. और ये 24 आवर्स नॉनस्टॉप आप अपनी मनचाही पसंदीदा गज़लें, शेर, नज़म, फिर धीरे धीरे हम इसमें सूफ़ी, कवाली, जो 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 बॉलीवुड से हट के जो जो चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें सारी हम इस चैनल के ऊपर शुरुआत करेंगे. और ये पूरे वर्ल्ड में लोग जब चाहें तब इसको सुन सकते हैं. सैटरडे संडे अभी हमने फिक्स किया है 12 से 2 बजे तक, एवरी सैटरडे संडे. इट्स कॉल्ड वीकेंड विद रूप सुरानी. सो 12 से 2 घंटे जो है हम लोग अपना ये कार्यक्रम पेश करेंगे. और अदरवाइज चैनल तो 24 आवर्स जब भी आप सुनना चाहें वो अवेलेबल. ऐसी कौन सी गजल है नर्वस फील तो देखिए एक आर्टिस्ट कुछ भी गाए, स्टेज पे बैठने से पहले नर्वसनेस होती ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इंसान दिखाता है कि मैं तो बहुत अरे चलो ये गा लेता हूँ मैं, तो ऐसा नहीं होता. जो जो कलाकार सीख के आता है इस फील्ड में, जो संगीत क्या है वो जानता है, तो उसके लिए नर्वसनेस होना ज़रूरी है. लेकिन नर्वस जब मैं हुआ था, मैं दुबई में कहीं परफॉर्म कर रहा था, और तो वहाँ कुछ
पाकिस्तानी क्राउड भी था, कुछ मुस्लिम लोग भी थे, तो एक बड़े मियाँ थे दाढ़ी में, तो उन्होंने मुझे एक फरमाइश भेजी आधे प्रोग्राम में, बड़ा प्रोग्राम अच्छा हो रहा था, और उन्होंने एक फरमाइश भेजी और मुझे कहा करिए आप, मैंने देखा कि वो उर्दू में लिखा हुआ था, मैं कहा फंस गए, उर्दू तो आती नहीं है पढ़ना, तो मेरे जो तबले वाले हैं वो मुस्लिम हैं, तो मैंने धीरे से उनको कहा कि क्या लिखा है, तो उसने भी कहा उर्दू इल्ले, उसको उर्दू नहीं आता, तो बकायदा मैंने गाना रोक करके मैंने वो हज़रत से माफ़ी मांगी, मैंने कहा जी माफ़ी चाहता हूँ, मैं गज़ल गाता हूँ लेकिन मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता, तो आप ही बताएं क्या फरमाइश है। तो मुस्कुराए वो दाढ़ी में और कहने लगे नहीं मियाँ अच्छा गा रहे हो आप, गाइए जो गा रहे हैं आप अच्छा गा रहे हैं, लेकिन वो मेरे लिए एक सबक था, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं गज़ल गा रहा हूँ तो सबसे पहला इसका उसूल ये है कि मुझे उर्दू आनी चाहिए। तो वहाँ से आने के बाद मैंने बड़े मियाँ को यहाँ पर मैंने पता लगाया कि उर्दू कौन कौन सिखाते हैं, और फिर मैंने जो एक टीचर को मैंने रखा और मैंने उर्दू पढ़ना लिखना जो है वो मैंने सीखा। तो आप उर्दू में भी ऑनलाइन? मैं बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये गज़लों का प्रोग्राम जो है वो हमारे ज़िम्मे आया है, कि ये हमारा फोर्टे है और ये हमारा पैशन भी है, हमारा प्यार भी है, और गज़ल के लिए हम जितना करें उतना कम है, क्योंकि गज़ल ने जो हमें दिया है आज जो हमारी पहचान है वो गज़ल के लिए बनी है, लोग हमें जानते हैं एज़ अ गज़ल सिंगर, हमारा पहला एल्बम गज़ल का आया, हमारा पहला साथ में प्रोग्राम गज़लों का था, हमारा पहला साथ में वीडियो गज़लों का था, हम पहली बार कहीं मिले तो वो गज़ल के प्रोग्राम में मिले, तो गज़ल के इतने एहसान हैं हम पर कि जब हमारे लिए फाइनेंशियल क्राइसिस थे कि अब 5 रुपया कहाँ से कमाना है, तो गज़ल ने सहारा दिया कि चलो बेटा तुम गज़लें गाओ तुमको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, तो गज़ल के हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े एहसान हैं, तो हम तो जितना भी गज़ल के लिए करें उतना कम है, और ये बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी हमें रेडियो मिर्ची ने दी है कि लीजिए गज़ल के लिए आप क्या सब कुर्बान करके ये प्रोग्राम करने के लिए। और गज़ल एक मेरे लिए गज़ल ये लफ्ज़ ही एक ख्वाब जैसा है, क्योंकि बेसिकली आई एम अ ड्रीमर, मतलब ख्वाब देखना ये मेरी आदत भी है और ज़रूरत भी है, एंड बिकॉज माई सन साइन इज़ अक्वेरियस आई एम अ नेचुरल ड्रीमर, तो मैं हमेशा से बचपन से ये ख्वाब देखती थी कि बड़े बड़े पैलेसेस हैं और कोई राज दरबार लगा हुआ है और मैं उसमें तानपुरा लेके गा रही हूँ। खैर वो ख्वाब तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन टुडे ऑल्सो आई फील लाइक अ क्वीन व्हेन आई एम सिटिंग ऑन स्टेज, आई लाइक टू ड्रेस अप, आई लाइक टू वेयर गुड क्लोथ्स, एंड हमेशा लोगों ने तारीफ़ की कि आपके कपड़े आपकी साड़ियाँ बड़ी अच्छी होती है। सो गज़ल आई एसोसिएट गज़ल विद ग्लैमर, जो आज के ज़माने में यूथ भी जो भी हमारे प्रोग्राम में आती है, कोई यंग लड़के लड़कियाँ आते हैं तो वो इंटरवल में या प्रोग्राम के बाद आते हैं, जी ये शेर का मतलब क्या था ज़रा समझाइए, हम कहते हैं कि बोले हम लिखना भी चाहते हैं, मे बी विल यूज़ इट समवेयर। सो इट इज़ नॉट दैट पीपल द यूथ डज नॉट वॉन्ट टू लिसन टू गज़ल, बट वी विल इन दिस प्रोग्राम वी विल ट्राई एंड एक्सप्लेन वॉट इज़ गज़ल, गज़ल के मायने क्या हैं, और बहुत सारी गज़लें पुराने आर्टिस्ट की नए आर्टिस्ट की भी सुनाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है ना ज़ुबान का जायका, जो अभी हम बम्बई में रहने के बाद आ रहे लाए जा रहे लाए हमारी हिंदी भी भ्रष्ट हो चुकी है तो ऐसे माहौल में जो ना स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है ना, मतलब जो है हर माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, आप जितने भी अवार्ड्स देखें चाहे हिंदी पिक्चर की अवार्ड है लेकिन वो अंग्रेज़ी में ही होस्टिंग करेंगे, अंग्रेज़ी में ही सारी बातें करेंगे, तो हिंदी भी धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है, यूथ जो है वो हिंदी लिख भी नहीं पाता, आज कई ऐसे गाने वाले हैं जो अंग्रेज़ी में गाना लिखते हैं और हिंदी में गाते हैं, तो नतीजा क्या होता है कि कई बार मोरा पिया मुँह से बोलत नहीं, वो लाइन है मोरा पिया मुँह से बोलत नहीं लेकिन वो लिखा है मुँह से, तो वो गलत साउंड होता है गलत। तो उर्दू एक भाषा ऐसी है, उर्दू ज़ुबान ऐसी है कि ये हमारी पहले ओरिजिनली ये हमारी लश्करी ज़बान थी, और पार्टीशन के बाद अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा समझा गया कि ये मुसलमानों के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं या ये पाकिस्तान की बोली है, ऐसा नहीं था, ये हमारे हिंदुस्तान में भी गज़लें पहले बोली जाती थी, उर्दू पहले बोली जाती थी। देखिए एक चार लाइन बहुत ही खूबसूरत है कि
फूल तो फूल है, डाली भी भली लगती है, फूल तो फूल है डाली भी भली लगती है, शक्ल अगर अच्छी हो तो काली भी भली लगती है, प्यार के बोल भले लगते हैं हर भाषा में, उर्दू में अगर गाली हो तो गाली भी भली लगती है। तो ये इतनी खूबसूरत जबान है कि इसको बचाना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज नहीं, हमारा धर्म है। तो अगर उर्दू बचेगी तो हमारी रिवायत बचेगी, हमारी तहजीब बचेगी, हमारी संस्कृति बचेगी। नहीं तो ये होगा कि आने वाले फ्यूचर में आप ऐसे ऐसे गाने सुनेंगे कि अभी कई बार जो है वो ब्लड प्रेशर मेरा तो हाई हो जाता है जब मैं गाने सुनता हूँ कि मुझसे पंगा ना लेना नहीं तो कर दूंगा माँ बहन। अब इस तरह के गाने आप अगर टेलीविज़न पर सुनते हैं और बच्चों पे अगर मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, अब वो बच्चा दिन भर अगर 40 बार वो देखता है तो 41वीं बार वही गाएगा और यही उसके संस्कार हैं। तो हमें तो ये देखना है कि भाई हमारी संस्कृति को हम किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह से उसको और ज़्यादा फैला सकते हैं। तो ये एक ऐसा नायाब हमने काम किया है कि मिर्ची महफिल, रेडियो मिर्ची ने इतना खूबसूरत काम किया है कि 24 आवर्स, और ये अभी तो ऑनलाइन है लेकिन मुझे पूरा मेरा दावा है, मेरी उम्मीद है कि ये स्टेशन भी ऐसा होगा कि एक दिन आप ऑन एयर आप जब भी आप चाहें, आप रेडियो पे, आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको अच्छी गज़लें, अच्छे शेर, अच्छी शायरी सुननी है तो आप वो सुन सकते हैं। मिर्ची महफिल ऑनलाइन जो जिस तरह से लॉन्च हो रहा है, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, आई रियली अप्रिशिएट। कहा जाता है गज़ल को अगर अट्रैक्ट करना हो तो आज के जो युवा हैं उनके साथ थोड़ा सा कनेक्ट होना पड़ता है। तो मैं जानना चाहूँगा क्या चैलेंजेस आप देखते हैं, क्या चैलेंजेस होने वाले हैं जब हम युवाओं के साथ जब कनेक्ट करेंगे गज़ल को आज के दौर। देखिए यहाँ तो ये मार्केट ऐसा है कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप युवा को दिन में 50 बार गज़लें सुनाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 6 साल का बच्चा जो है वो उर्दू में बात करना शुरू होगा और वो उसके संस्कार ऐसे होंगे। अब जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वही उसके संस्कार हैं। तो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। अगर आप सुनना चाहें, गज़लें सुनना चाहें तो आपको वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। कभार कभी कभार एक आध प्रोग्राम आ जाता है जब आप गज़लों को सुन सकते हैं, लेकिन ये कोशिश ऐसी है कि इसमें आपको किसी के मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइप करिए www.radiomirchi.com और आप 24 घंटे जो हैं वो गज़लों को सुन सकते हैं। और यूथ की आप अगर बात करते हैं तो आज भी कॉलेज में जब भी लड़का लड़की को अप्रोच करता है तो वो यही कहता है कि भाई तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ज़िंदगी धूप तुम घना साया, या होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, या चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल तुम। आप देखिए गज़लों का ही सहारा लेता है, वो गज़लों का ही सहारा लेता है। वो ये नहीं कहता पलाट तेरा ध्यान किधर है, वो फिल्मों तक सीमित है, वो एक एंटरटेनमेंट है लेकिन वो हमारे संस्कार नहीं। तो गज़लों को प्रमोट करने के लिए सिर्फ प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने क्रिएट किया है, एक ऐसा तख्त, ऐसा आज ऐसा यहाँ दरबार भरा है रेडियो मिर्ची में, पहली बार ऐसा ये खूबसूरत एक माहौल बना है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू रेडियो मिर्ची, वी आर वेरी बहुत ही हम तहे दिल से आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आप भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए हिंदुस्तान के अलावा आप जर्मनी चले जाएं, आप फ्रांस चले जाएं, वहाँ लोग उर्दू में PhD कर रहे हैं, वहाँ लोग संस्कृत में PhD कर रहे हैं, वहाँ सरंगी पे लोग PhD कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ से जो है ये चीज़ें जो है धीरे 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 किताबों में जा रही और वहाँ से म्यूजियम में चली जाएंगी। इसे वापस लाना ही है, इसे बचाना ही है। लेकिन वापस लाने का ये भी है कि भाई गज़ल और शास्त्रीय संगीत एक ऐसा जॉनर है जो गज़ल गायक है या शास्त्रीय संगीत जो गाता है, ये आर्टिस्ट कभी भी बूढ़ा नहीं होता, उसकी कला हमेशा चलती रहती है। बल्कि जैसे भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उसकी गायकी में निखार आता है। तो ये दिस इज अ जॉनर फॉर एवर, इट्स लाइक टाइमलेस ज्वेल। देखिए पंडित जसराज जी अभी भी गा रहे हैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया अभी भी बांसुरी बजा रहे हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा, भीमसेन जोशी जी आखिरी दिन तक वो गाते रहे। तो ये गाना ऐसा है, बिल्कुल
लेकिन अब प्लेबैक सिंगिंग की अगर बात करें तो ये होता है कि एक दौर चला, ये म्यूजिक चला, तब तक आप चले, उसके बाद आप आउटडेटेड हो गए, दूसरे नए आए, तो हर 6 महीने में अब तो साउंड बदल रहा है, स्टाइल बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। अभी हमने थोड़े दिन पहले बेगम अख्तर, जो नंबर वन हमारी गज़ल क्वीन जिसको हम मानते हैं, उनकी सेंटेनरी थी लास्ट ईयर, उनके 100 साल हमने दिल्ली में 3 दिन का साहित्य संगीत वालों ने प्रोग्राम किया और चौकअप ब्लॉक, और इतने यूथ और इतने लड़के लड़कियां उस प्रोग्राम में जमा हुए थे, तो ये तो बताता है कि ये दिस इज द प्रूफ दैट सेलिब्रेटिंग द सेंटेनरी ईयर ऑफ बेगम अख्तर इटसेल्फ इज अ प्रूफ दैट दिस इज अ टाइमलेस जॉनर। और ये चीज़ें जब ये चीज़ें रिवाइव होंगी तो अपने आप जो है वो लोगों में एक एक नया जो है ना जोश आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। देखिए, एक आपने ये गाना सुना कि हमरी अटरिया पे अभी जो आया था गाना, ये बेगम अख्तर जी ने 80 साल पहले गाया हुआ है, तो ये पुरानी चीज़ है, लेकिन अब जो है उसको नए पैकेजिंग के साथ में उसको अगर पेश किया तो वो यूथ को पसंद आता है। तो वी आर द एम्बेसडर ऑफ दिस मिर्ची महफिल एंड विल बी, मतलब हमने तो मर जाना है लेकिन यूथ को इसके साथ में कनेक्ट करना ही है, क्योंकि सक्सेस की चाबी तो यूथ ही है। जो यूथ अगर पसंद करेगा तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें को इसको सिर्फ चिंगारी देनी है तो आग लगनी है, तो RDX है, इसको सिर्फ चिंगारी देनी है, और हम लोग जो है चिंगारी का काम कर रहे हैं कि हमने सिर्फ इसको एक आग देनी, इसके बाद तो ये आग जो है पूरी दुनिया में जानी। देखिए, इंस्पिरेशन की तो इतनी लंबी कतार है कि गाने वाले तो हैं, लेकिन गाने वाले के अलावा भी ऐसे कई इंस्पिरेशन मुझे लगता है, जैसे सचिन तेंदुलकर को मैं देखता हूँ या अमिताभ बच्चन को मैं देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाप रे कितना कमिटेड, अपने मतलब अपने काम से कितनी ईमानदारी, और जब भी काम करने आते हैं ऐसा लगता है ये इनका पहला और आखिरी काम है, इतनी शिद्दत के साथ में वो काम करते हैं, तो ये सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। चलिए, आखिर में हम चाहेंगे कि आप आज के ज़माने के तरह से जो अंदाज है उस हिसाब से आप लोगों से अपील करें गज़ल को। आज की यूथ में मतलब इन टुडेज लैंग्वेज, ही सेइंग दैट ओवरऑल द यूथ जो ये शो सुनने वाले हैं, मे बी दे हैव नॉट हर्ड गजल्स अर्लियर, लाइक मोस्ट ऑफ द यूथ फील के यार ये बहुत मतलब समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा, तो दे टेंड नॉट टू हियर इट। सो टू ऑल दोस पीपल जो चाहते हैं कि वो भी सुने ये जॉनर, तो आप उनको क्या कहेंगे कि गजल जरूर सुनिएगा, और क्यों टू द यूथ? दोनों ही करेंगे अलग अलग। देखिए, एक गाना था बचपन में मैं सुनता था रेडियो पे कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे, चश्मे बदकुल, तो मुझे बचपन में ऐसा सुना चश्मे फोड़ दूँ, मुझे ऐसा कुछ तो भी सुनाई देता, तो मुझे मालूम था चश्मे बदकुल का मतलब क्या है, लेकिन उसकी साउंड ऐसी थी, या अल्लाह दिल ले गई, अभी या अल्लाह क्या था, लेकिन उसकी साउंड ऐसी थी। तो आप देखें कि उर्दू में भी कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिसकी साउंड इतनी खूबसूरत है कि आप मतलब ना भी समझे तो कोई बात नहीं, कि मतलब की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो है आपको हाइट ऑफ रोमांस अगर आपको करना है तो हाइट ऑफ रोमांस सिर्फ गज़लों में है और कहीं भी नहीं है। और अगर आप अपने महबूब से बातें करना चाहते हैं, उनको मनाना चाहते हैं, तो एक शेर ज़रूर पढ़ दें कि मज़ा तो आ ही जाता है कि जब दिल दिल से मिलता है, मज़ा तो आ ही जाता है कि जब दिल दिल से मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे मिर्ची महफिल पर, तो आप अपने महबूब का दिल ज़रूर जीत पाएंगे बहुत जल्दी। और अगर महबूबा अगर बेवफा निकल जाए तो उसके लिए भी शेर है ये ज़्यादा काम के हैं। देखिए कि जो हुक्म करता है वो इल्तिजा भी करता है, इल्तिजा कहते हैं रिक्वेस्ट, जो हुक्म करता है वो इल्तिजा भी करता है, ये आसमां कहीं पे झुका भी करता है, और तू बेवफा है तो ये बुरी खबर भी सुन ले, इंतज़ार मेरा कोई दूसरा भी करता है। जवाब देना पड़ेगा।
कि नज़र के तीर को जब सीख लो तुम कारगर करना, कारगर करना यानी तीर चलाना, जब तुम नज़र के तीर कभी और आगे चलाओगे अभी आया नहीं। नज़र के तीर को जब सीख लो तुम कारगर करना, दुआएं मैंने दी हैं पहले मुझ पर ही नज़र करना, क्या बात, और सिर्फ मुझ पर ही नज़र रखना। हर औरतों को यही शिकायत होती है कि ये सिर्फ मुझे देखे और किसी को ना देखे, वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, अभी हमारी शादी के 26 साल हो गए लेकिन हर प्रोग्राम के बाद हम गाना डिस्कस नहीं करते, हम ये डिस्कस करते हैं कि अरे तुम वहाँ देख रहे थे वो उधर क्या, अरे भाई अंधेरा था कुछ दिखता नहीं, मैं तो अपने मैं तो इमेजिनेशन में गाते रहता हूँ। तो एक शेर मुझे उसमें भी मिल गया है कि मेरा दीवानापन अब मुझ पर यूँ असर लाता है, मेरा दीवानापन अब मुझ पर यूँ असर लाता है कि हर चेहरे में मुझे तेरा चेहरा नजर आता है। तो इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न जाए। तो दोस्तों ये गज़लों में ये सारी चीज़ें हैं, ये कोई बहुत हैवी डोज नहीं है, ये तो बहुत ही आपको इतना मज़ा आएगा, लेकिन आप इसे सुने, आप इसे जुड़ें और प्लीज़ लॉग ऑन www.radiomirchi.com पर और मिर्ची महफिल विथ रूप एंड सोनाली एवरी सैटरडे संडे फ्रॉम 12 to 2 आप सुन सकते हैं। इसके अलावा 24 घंटे आप जो भी गज़ल सुनना चाहें वो आप सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से कि आप लोग यहाँ आए। थैंक यू सो मच। वी नीड बोथ ऑफ यू टू सिंग वन गज़ल टुगेदर। हाउ डू वी नॉट आस्क यू, कम ऑन। अभी इतना बोल के गला सूख गया। पानी, हाँ थोड़ा पानी, पानी। गजल नुमा गीत पेश कर रहे हैं और इसका एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा मुझे याद आ रहा है, मैं कह रही हूँ आपको। इसका जब वीडियो शूट था, हमने जयपुर पैलेस में इसका वो वीडियो शूटिंग किया था और मितवा नाम की एक हमारी गज़लों का एल्बम था, उसमें से ये गज़ल ली गई है। तो मुझे लगता है अप्रैल, इट वॉज मंथ ऑफ अप्रैल, और हम दोनों बिल्कुल यू नो इन आवर फाइनरीज एंड एकदम हैवी सारी ज्वेलरी एंड ही वाज इन हिज कुर्ता, और जो डायरेक्टर थे हमारे उन्होंने कहा ये चोमू पैलेस करके एक जगह है जयपुर में, तो उन्होंने कहा आप वहाँ ऊपर खड़े रहिए। एंड इट वाज वेरी वेरी हॉट और दोपहर में 2 बजे थे और दोनों हम ऊपर खड़े हैं, ओके अभी शॉट लेंगे अभी शॉट लेंगे। वो 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा हम लोग मतलब पसीने से नहा चुके, शॉट्स लिया नहीं। तो हमने कहा भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, हम लोग यहाँ कितनी देर खड़े रहेंगे, शॉर्ट लीजिए। बोले नहीं वो कबूतर का इंतज़ार कर रहे हैं। कबूतर, ये कबूतर का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, अब क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, ये राज ये खुले। वो गीत था कि प्यार में छुप छुप के मिलने का मज़ा कुछ और है, हाले दिल आँखों से कहने का मज़ा कुछ और है, और काम वो दुनिया जिसे कहती है ना कीजिए चोरी चोरी उसको करने का मज़ा कुछ और है। ये बड़ा रोमांटिक गीत था और आफ्ताब शिवदसानी का पहला वीडियो था, उसमें अंतरे में लाइन थी कि सुना था जमी पे उतरती है हूरें, तुम्हें जब से देखा यकीन आ गया, ये लाइन थी। हूर आप सबको मालूम है। तो हूर परी, वाह बिल्कुल। लेकिन वो जो हमारे डायरेक्टर थे वो हूर यानी कबूतर समझे थे। तो ही वॉज वेटिंग फॉर कबूतर कि दाने डालूंगा और वो कबूतर उड़ के आएंगे, विल टेक अ शॉट, और तो ये लाइन जो है वो सार्थक हो जाएंगे। अब उस कुछ भी इमेजिनेशन तो उसने करना चाहिए कि सुना था जमीन पे उतरती है हूरें, तुम्हें जब से देखा यकीन आ गया है, उसको कोई इमेजिनेशन इस तरह से कई बार होता है। तो ऐसा ना हो इसीलिए ये ऑनलाइन स्टेशन वजूद में आया है। हम एक गालिब साहब की गज़ल सुना रहे हैं, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है,
एक गजल हम ऐसे सुनाते हैं अब जो यूथ से डायरेक्ट कनेक्टेड है, जो बहुत सारे यंग लोगों ने पसंद की. काफी साल पहले एल्बम आया था मितवा, प्यार में छुप छुप के, वही जो हुरो वाली. देख रहे हैं कि सब यूथ ही यूथ हैं. कि ये सबसे बड़ी बात है कि जो आज सुबह से यही गाना सुना जा रहा है, यही जिंगल सुना जा रहा है, तो धीरे 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 जैसे जैसे ये स्लो पॉइजन जो है वो चढ़ता जाएगा, वैसे ये बढ़ता भी जाएगा. बट थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर मेकिंग इट, एंड आई होप यू एंजॉय टू द बेस्ट. बहुत बहुत शुक्रिया.